जनवाद टाइम्स के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं सोहेल। शाहीनबाग में फायरिंग करने वाले के आप कनेक्शन पर बोले श्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस के द्वारा शाहीनबाग फायरिंग मामले पर किए गए खुलासे के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इस मुद्दे पर बयान दिया है। केजरीवाल ने संवाददाताओं से बात करते हुए कपिल गुर्जर के फोन में आप नेताओं के साथ मिली तस्वीरों के बारे में कहा, बीजेपी दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, अगर कपिल के ताल्लुक आप से हैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, यह चुनाव से पहले उनका राजनीतिक स्टंट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा द्वारा आतंकवादी कहे जाने को लेकर कहा कि मैं दिल्ली के लोगों पर यह फैसला छोड़ता हूं, अगर आप मुझे आतंकवादी समझते हैं तो 8 फरवरी को कमल का बटन दबाना, और अगर आप मुझे आतंकवादी नहीं समझते तो 8 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे काफ़ी ठेस पहुंची है, मैंने कभी अपने परिवार या बच्चों के लिए कुछ नहीं किया और ख़ुद को देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। IIT के मेरे 80% बैचमेट विदेश चले गए, मैंने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ दी। आप नेता ने बीजेपी द्वारा अपने हिंदू विरोधी कहे जाने को लेकर कहा, मैं कहाँ से हिंदू विरोधी हूँ, मैं हनुमान जी का अनन्य भक्त हूँ। मुझसे पूछा गया कि क्या मुझे हनुमान चालीसा याद है, मैंने कहा हाँ और सुना दिया। अब बीजेपी को उससे भी दिक्कत है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, शाहीनबाग पर सबसे ज़्यादा फायदा इस वक्त बीजेपी को हो रहा है, शाहीनबाग के अलावा उनके पास पूरे चुनाव में कोई नैरेटिव नहीं है। जनवाद टाइम्स के न्यूज़ रूम से जुड़े रहने के लिए जनवाद टाइम्स के न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।